हेलो एवरीवन, आई एम मानसी शर्मा ऑन माय यूट्यूब चैनल मानसी शर्मा आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द इलियो टीबियल ट्रैक्ट एक ट्रैक्ट है जो कि इलियम इलेक्रेस से एक्सटेंड uh, कर रहा है अप टू द टीबिया ठीक है क्या होता है ये इलियो टिबियल ट्रैक्ट इट इज द फेशिया लाटा विच इज थिकन ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई टू फॉर्म अबाउट टू इंच वाइड बैंड जिसको हम लोग हिलियोटिबियल ट्रैक बोलते हैं तो हिलियोट्यूबियल ट्रैक बेसिकली क्या होता है इट इज अ फेशियल आटा जो डीप फेशिया होता है हमारी थाई का उसको फेशियल आटा बोलते हैं वही जो है थोड़ा सा थिकंड हो जाता है लेटरल एस्पेक्ट पे और दो इंचेस वाइड का इलियोटिबियल ट्रैक्ट बनाता है सुपीरियरली अलोंग द इलियक क्रेस्ट जो ये ट्रैक्ट है वो स्प्लिट करता है दो लेयर्स में और दो मसल्स को इनक्लोज करता है एक तो टेंसर फेशियल आटी को और एक ग्लूटियस मैक्सिमस को फिर एक सिंगल थिकंड शीट बनाता है जिसको ग्लूटियल एपोन्यूरो बोलते हैं उनके बीच में ठीक है जो कि कवर करती है बेसिकली तो कि सुपीरियरली अलोंग द दो में डिवाइड हुई दो मसल को एनक्लोज किया ग्लूटियल बना के मीडियस को भी ग्लूटियस मीडियस को भी एनक्लोज कर लिया फिर क्या हुआ कि जो सुपरफिशियल लैमिना है वो अटैच है ट्यूबरकल ऑफ द इलेक्रेस्ट से हमने पढ़ा था दो लैमिना है एक सुपरफिशियल और एक डीप

यह है क्या चीज दूसरा हमने इसका अटैचमेंट देखा सुपीरियर और इन्फीरियर सुपीरियर ये दो चीजों से जुड़ा था सुपरफिशियल और डीप लैमिना सुपरफिशियल इलेक्ट्रेस से इलेक्ट ट्यूबरकल से और इलेक्ट्रेस के जो ट्यूबरकल था उससे और जो डीप था वो कैप्सूल ऑफ नी आ, हिप जॉइट से और जो इन्फीरियर अटैचमेंट था वो था आपका लेटल कॉन्डाइल ऑफ टीबिया से ठीक है तो हमने अभी तक डेफिनेशन पढ़ी है और अटैचमेंट पढ़ा है एक डेफिनेशन और एक अटैचमेंट अब हम पढ़ रहे हैं कि अपर पार्ट ऑफ इलियोटिबल ट्रैक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है इंसर्शन वही दो मसल्स को को जिनको वो वो कर रहा था उन्हीं इंसर्शन प्रोवाइड कर रहा है एक तो ग्लूटियस मैक्सिमस को और एक टेंसर फेशियल आर्टी को ठीक है तो इन लोगों को इंसर्शन प्रोवाइड कर तो क्वेश्चन आ गया कि इलियोट्यूबल ट्रैक्ट किसे इंसर्शन प्रोवाइड करता है किन मसल्स को तो देर विल बी टू मसल्स ग्लूटियस मैक्सिमस एंड दी देंसर फेशियल आर्टी ठीक है तो तीन चीज हो गया फंक्शनल सिग्निफिकेंस क्या है इस इलियोटिबियल ट्रैक्ट का इलियोटिबियल ट्रैक जो रहता है वो क्या करता है स्टेबलाइज करता है हमारी नी को दोनों में एक तो एक्सटेंशन में और एक पार्शियल फ्लैक्शन में ठीक है और जो कि हम लोग वॉकिंग और रनिंग में मेनली यूज करते हैं उसको ये स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है नी को ये इसका मेन फंक्शन है और लीनिंग फॉरवर्ड विथ लाइटली फ्लेक्सड नी द इलियोटिबियल ट्रैक जो है वो मेन सपोर्ट होता है ऑफ द नी अगेंस्ट ग्रेविटी एंड प्रिवेंट द इंडिविजुअल फ्रॉम फॉलिंग फॉरवर्ड वो जो है इंसान को आगे की तरफ गिरने नहीं देता है अगेंस्ट ग्रेविटी और हमारी नी को प्रोटेक्ट करके रखता है सो देयर फॉर इलियोट्यूबियल ट्रैक्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट होता है डेफिनेशन देख ली फेशियल आटा वगैरह वगैरह सुपेरियर इंफीरियर अटैचमेंट देख ली इंसर्शन देख ली दो मसल्स के और स्टेबिलाइज करता है नी को एक्सटेंशन और पार्शल फैक्शन में सो इट इज ऑल अबाउट इलियोट्यूबियल ट्रैक्ट होप यू लाइक द वीडियो Do like, comment, share, subscribe to my channel Mansi Sharma. Don't forget to press the bell icon for the latest videos. Thanks for watching.